और भी बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को हो गया। लंबे समय से इसका इंतजार था और अब ये सस्पेंस खत्म हो गया। सुबह सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी MLC द्वारा दारा सिंह चौहान ने शपथ ली है। इसके अलावा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक सुनील कुमार और RLD कोर्ट के अनिल कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। राजभवन लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी गई है। OP राजभर पर सरकार ने भरोसा जताया है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो इसके बाद हम बताते हैं कि इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। मंगलवार को CM योगी की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान ने शपथ ली। योगी कैबिनेट में वह मंत्री बन गए हैं। चलिए चलते हैं, बात करते हैं राशिद अलवी से। इस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चाएं चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में राशिद, आप इस पे क्या कहेंगे? आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 4 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है, इसको BJP किस तरीके से देख रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर है उनको मंत्री पद के लिए दिया गया है, अनिल कुमार जो राष्ट्रीय लोकदल के हैं उन्हें, और दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा जो हैं उन्हें भी दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति में गहमी गहमा चल रहा है, तो उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो राजभर समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। और राशिद, हम पहले भी ये देखते आए हैं कि बीजेपी में कई और लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं और आगे भी शायद हम ये देखते आएंगे कि कई और नेता बीजेपी का दामन थामेंगे, तो इसको हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे देख सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी साथ मिलकर जो चुनाव लड़ रही है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर हैं जो कि राजभर समाज से हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग दो पहलू पर है, मगर भारतीय जनता पार्टी आगे पैड बनाने में कामयाब रहेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया, उसको देखते हुए जो राजनीति पार्टियां हैं जैसे कि अगर बात करें किसानों की और आंदोलन की, तो किसानों की जो कर्ज माफी किया है भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार ने, वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा। तमाम जानकारियों के लिए राशिद आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का आज पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लंबे समय से इसका इंतजार था और अब ये सस्पेंस खत्म हो गया। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी MLC दारा सिंह चौहान ने शपथ ली है। इसके अलावा गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक सुनील कुमार और RLD कोटे के अनिल कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है।